देख रहे हैं न्यूज प्लस 24, मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। आइए नजर डालते हैं आज के टॉप 10 खबरों पर। कोरोना देश में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अब कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल में अब 5 दिन ऑफिस, छठे दिन वर्क फ्रॉम होम। बीएमसी मेयर ने कंगना को अब सब कहे, मेयर बोली 2% के लोग कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। मोदी के वैक्सीन टूर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने बोला, अगले 2 हफ्ते में कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन, पहले फेज में 43 सीटों पर चुनाव के लिए 51.79% वोटिंग हुई। किसान प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा किसान अपना प्रदर्शन शिफ्ट करे, अगले ही दिन सरकार आपसे बातचीत करने को तैयार है। 6 राज्यों में बड़ी ठिठुरन, कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में दूसरी बार हो सकती है बर्फबारी, मनाली में देश भर से पहुंचने लगे हैं पर्यटक। बोर्ड स्टूडेंट से 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, स्टूडेंट पेरेंट्स और टीचर से 3 स्तर पर संवाद करेंगे मंत्री। जेडीयू में शामिल हो सकते आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, सीएम नीतीश खुद कर रहे हैं प्रयास। बस 14 में बड़ा ट्विस्ट, जनवरी की बजाय 1 हफ्ते में होगा शो का फिनाले, 9 में से मैच 4 सदस्य ही शो में जाएंगे आगे। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर ट्रेंड, यूजर्स बोले ओरिजिनल कूली नंबर 1 का ओवर एक्टिंग वर्जन। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।